प्रवीण खंडेलवाल है, रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हाँ खंडेलवाल जी, मैं आपको बहुत सही तरीके से इसका जवाब दे दूं कि जब पार्लियामेंट में देश की जनता सब इसी तरह के सवाल करती है आपसे, सुनने दीजिए, बोलने दीजिए, जबरदस्त आप बोलने दीजिए, सुनने का हौसला तो रखिए। पता है आप लोग पूरे झूठ की बुनियाद पे बने खड़े हुए हैं, तो सुनने का, सच्चाई सुनने का भी हौसला रखिए। मैं खंडेलवाल जी का जवाब दे रही थी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच में टोका ना करें। जनता आपको जवाब देती है, हाँ हाँ दे रही है, आपको भी जवाब मिलेगा। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, कभी आप ऊपर कभी हम नीचे, कभी हम ऊपर कभी आप नीचे, आपका भी समय आएगा तो उसका इंतजार करिए, इतने घमंड में ना रहिए। मैं बस खंडेलवाल जफर भाई बहस डील हो जाएगी, सरकार से और जीएसटी से उम्मीदें थी, हमने उसको जाहिर किया था और हमने तीन चीजों की बात बार बार सरकार के सामने रखी थी। उस पर कहा गया था कि हम उस पर राजनीति कर रहे हैं, पर अगर आप देखेंगे जिस तरीके से टैक्स स्लैब आए हैं, 28% तक टैक्स स्लैब आया है, तो कौन सही रास्ते पे था कौन गलत रास्ते पे था वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। और व्यापारियों की प्लीज प्लीज मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा कि राजनीति कर रहे हैं हम, कर्नाटका में हम पास करते हैं, कर्नाटका में अगर हम नहीं पास करें और ट्रू स्पिरिट फिर कब माना नहीं जाता है कि हम लोग अड़ंगे डालते हैं। बाकी सारे राज्यों में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी प्रो बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आई और आज जब ट्रेडर्स के खिलाफ काम कर रही है, सवाल तो उनसे उठ खड़ा होना चाहिए। 28% तो कर्नाटक ने भी स्वीकार किया, प्रियंका जी वो कह रही है, वो कह रही है हमें करना ही पड़ेगा। क्यों चुप बैठे हैं जो व्यापारी? प्रियंका जी एक मिनट अभी आपके पास ओके मोहन गुरुस्वामी साहब के पास जाऊंगा, नीति पे उतर आते हैं क्योंकि एकदम कंप्लीट बैंकरप्ट। जफर इस्लाम नहीं वन बाय वन मोहन गुरुस्वामी साहब क्या आपको लगता है कि ये जो बात कही जा रही है कि रिटेलर्स को दिक्कतें होंगी, एग्जीक्यूशन के लिए अभी बहुत अच्छी पॉलिसी सामने दिखती नहीं है, इंप्लीमेंटेशन सरकार कैसे करेगी, ये वाकई एक बड़े कंसर्न है और ये आने वाले वक्त में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? देखिए मैं कहा आपसे पहले कि पहले समय जो होगा पहले 6-8 महीने में कोई मुश्किल सामना करने पर ना करेंगे क्योंकि एक नया सिस्टम आ रहा है और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिस्टम उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो सिस्टम के सब्जेक्ट हैं उनको भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो दिक्कतें तो होंगी मगर इसको सुलझाना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल जो है जीएसटी एक अच्छी स्कीम है, देश को एक बनाता है, मार्केट को एक बनाता है, टैक्स रेवेन्यूज को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है, ये सब चीज़ें हैं इसमें और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। मेरी यही शिकायत है कि इस गवर्नमेंट ने उसको ज़रा वीकन कर दिया, वो जो ऑब्जेक्टिव थी उसको वीकन कर दिया, जो इफेक्टिवली 7 स्लैब है, आप 5 स्लैब कह रहे हैं इफेक्टिवली आप डिटेल में देखेंगे तो 7 स्लैब है, ठीक है, इतने स्लैब्स करेंगे तो डिस्क्रिशनरी मैटर होगा, ऊपर नीचे होगा और जिस तरह उन्होंने कलेक्शन डिवाइड किया है उससे करप्शन और बढ़ेगी। नहीं तो सर, तो वो जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि और उसके बाद कुछ और करेंगे, डाइवर्सिटी इतनी है, गरीबी इतनी है, लोग अमीर भी हैं, गरीब भी है, मिडिल क्लास भी है, तो सबको एक टैक्स के दायरे में कैसे बांध दे और हर चीज पर 18% टैक्स भी तो नहीं लग सकता। वो नहीं, देखिए वो इसलिए उस पिछली सरकार ने 3 स्लैब कहा, आपने उसको 7 कर दिया, तो पहले का जो सिस्टम था वो उसमें भी 7-8 स्लैब थे और कैस्केडिंग इफेक्ट था, बस सिर्फ कैस्केडिंग इफेक्ट इसमें नहीं रहे मगर जो स्लैब्स जो है पहले की जो कलेक्शन 2-2% कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, अब 8-10% कर लिए, तो ऊपर किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा ये तो होने वाला है, ज्यादातर लोग इमीडिएटली इन द बिगिनिंग असंतुष्ट रहेंगे, ठीक है, मगर इसको लागू करना चाहिए। और इस में जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, अच्छा चीज किया। रोहित, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीएसटी देश के लिए या देशवासियों के लिए अच्छा नहीं है ऐसा कोई बोल रही नहीं है, सवाल इतना ही है कि ये इम्प्लीमेंट कैसा किया जाएगा अपने देश में। अगर जीएसटी ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है ये अगर देश और देशवासियों के लिए अच्छा है तो क्यों ना इसे जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल, अगर जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट ही करना है तो क्यों ना 3-4 महीने जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद कुछ कंप्लायंस के लिए शिथिलता दी जाए, कुछ कंप्लायंस के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिए जाए, 3 महीने रिटर्न्स आप थोड़े रिलैक्स फाइल करो, दे विल बी नॉट लेस पॉलिसिंग विच विल बी देयर,
देयर विल बी लेस रिलैक्सेशन होना चाहिए कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, और आपको उस तरीके कुछ रिलैक्सेशन में कंप्लायंस हो जाए, सो दैट तीन महीने जब इनिशियल टीडिंग इश्यूज है वो तो ऐसे ही आएंगे, उसको आप सॉल्व करोगे और तीन महीना ट्रेडर्स व्यापारियों को भी टाइम मिलेगा कंप्लायंस करने में, और जल्दी से जल्दी ये जो नया टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में लागू होगा। ठीक है प्रवीण खंडूलाल, मैं रोहित जी की बात को आगे बढ़ाता हुआ मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जीएसटी हर हालत में 1 जुलाई से लगना चाहिए, लेकिन 31 मार्च 2018 तक के पीरियड को सरकार ट्रायल पीरियड घोषित कर दे और हैबिचुअल ऑफेंडर्स को छोड़कर के छोटी मोटी गलतियों के लिए किसी को सजा न दी जाए। क्योंकि गौरव जी जब आपने अपने फायदे की बात की, नहीं नहीं फायदे की नहीं, हाँ। अभी जैसा मोहन गुरुस्वामी कह रहे थे, हाँ। जब ये सिस्टम आएगा, हाँ। तो उसमें अनेक प्रकार के चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, चैलेंजेस आएंगे तो उनके उत्तर भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो अभी क्योंकि आप शुरू के अंदर यदि आप पेनलाइज करेंगे तो लोग सिस्टम से दूर भागेंगे, ठीक बात है। तो 9 महीने यदि सरकार इसको ट्रायल पीरियड घोषित करती है तो मुझे लगता है कि मार्च 18 से ये एक अच्छा स्टेबल सिस्टम डेवलप हो पाएगा हमारे देश के अंदर, ठीक है। मैं आप जी बोलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो हम डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी को मर्ज करके देख रहे हैं, मेरे हिसाब से दोनों अलग अलग चीज है। डिमोनेटाइजेशन का जो असर हुआ है जीएसटी का हुआ नहीं, वो पॉलिसी लेवल की बात से इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे कि वो भी एकदम से आया था और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करने में कितनी प्रॉब्लम आई थी। जीएसटी तो बहुत प्लांड वे में आ रहा है, तो देखिए जब जीएसटी तो 11 साल से डिबेट चल रही है, हाँ। ये वेल थॉट प्लांड है, हाँ। और जो डिमोनेटाइजेशन था वो किसी को आप बता के नहीं कर सकते थे, तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें पहले से एनालिसिस नहीं होगा, नहीं नहीं होगा ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होगा, कुछ चीजें आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा कि एक तो लॉ के अंदर ही लिखा हुआ है छोटे प्रोसीजर लैप्सिस होंगे उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ये शायद खंडेलवाल जी को पता होना चाहिए या होगा। दूसरा ये है कि जो कंप्यूटराइजेशन की बात कर रहे हैं, जो छोटे व्यापारियों की बात कर रहे हैं, इतने करोड़ लोगों के पास नहीं है, ये नहीं कि सबको कंप्यूटर ही रखना है। जो जो जैसे आज भी रिटर्न फाइल करनी है, मान लो मेरे को भी रिटर्न फाइल करनी है, मैं किसी सीए को एंगेज करता हूँ वो अपने कंप्यूटर से फाइल करता है, ये नहीं कि व्यापारी को अपने 24 घंटे कंप्यूटर ही लगा के रखना है, ठीक है। तीसरा ये जब इतना बड़ा सिस्टम चेंज हो रहा है हम उस पर डिबेट करने के बजाय अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं, अब तो लागू हो ही गया ये समझो, अब हमें जो दिक्कतें आएंगी सरकार का ये एश्योरेंस रहना चाहिए। हम डिबेट ये कर रहे हैं कि क्या ये सरकार के लिए मुश्किल बन सकता है 2019 में, या 2019 में सरकार के लिए एक और यहाँ पर उनके लिए बूस्टिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है। मेरे को नहीं लगता है ये कोई मुश्किल की ऐसी चीज है, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने पिछले देशों का जो हमने उदाहरण दिया उसके नहीं, देखिए आप उन देशों के वो डेवलप कंट्रियों की आप बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री डिफरेंट है इसलिए इतने स्लैबों की बात कर रहे हैं। मैं किसी भी पैनल से सहमत नहीं हूं जो कह रहे इतने स्लैब क्यों हुए क्या हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये देश के हित में ही है। जो स्लैब अगर एक ही होता तो शायद आज ही अपोजिशन हो जाता, आज ही धरना लगा होता जंतर मंतर के ऊपर। अगर आपने स्लैब अलग अलग तो जनता उसको सहन करेगी, क्योंकि जनता को बताया गया कि दूध पे टैक्स नहीं लगेगा, अगर आप दूध पे टैक्स नहीं है और कल से आप 16% 18% टैक्स लगाएंगे तो उसका अपोजिशन होता। आप ये विवेचना करके कोई पैनलिस्ट ये बताए कि आज स्लैब ये है, आज मैं टैक्स इतना देता हूं, जीएसटी में इतना बढ़ रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि बढ़ रहा है, हम अपने आप ही अपना अंदाजा लगाए जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन आएगा ये आएगा। दूसरा, महंगाई कभी सिर्फ टैक्स की वजह से ही नहीं होती है, आप ये देखिए मिनिमम वेजेस बढ़ गई है, जब किसी व्यापारी का खर्चा बढ़ेगा तो क्या रेट नहीं बढ़ेंगे, आप हर चीज के रेट को सिर्फ टैक्स ही जोड़ते हैं। आप ये बताएं पिछले कई सालों से पेट्रोल के रेट डीजल के रेट रोज चेंज होते हैं, रोज का मतलब बड़े टाइम टू टाइम, क्या उससे आपको लगता है कि हमारी रेल यात्रा या क्या क्या हमारी कैब की यात्रा, क्या हमारे कोरियर का खर्चा या ट्रांसपोर्ट का बढ़ और घट जाता है रोज? बिल्कुल नहीं होता। आज भी पेट्रोल के रेट अगर 2 रुपए कम हो जाते हैं सुबह मेरा कोरियर वाला 2 रुपए कम नहीं कर देता है। तो ये सब चीजें हम इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाएं कि सिर्फ जीएसटी के रेट से ही कोई इन्फ्लेशन होता है, ऐसा नहीं है। वो तब होता जब जीएसटी का रेट इतना ज्यादा चेंज हो जाता कि आज मैं 10% टैक्स देता हूं कल 20% हो जाता, तब फर्क पड़ता। हाँ, कुछ सेवाओं पे जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन आप दो देखिए, दो मौलिक जो सेवाएं हैं आम आदमी की, शिक्षा को और स्वास्थ्य को बिल्कुल इसके दायरे से बाहर रखा गया। चलिए, मैं उसका स्वागत करता हूं। अच्छी बात है। तो इस बात का मतलब ये निकाले कि जीएसटी से महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, ऐसा प्लान होता दिखता नहीं। हाँ रोहित बोलिए, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगा। रोहित बोलिए। रोहित जी बोलिए। गवर्नमेंट ने अभी भी कुछ क्लैरिटी लॉ के अंदर
अभी भी कुछ क्लैरिटी लॉ के अंदर बाकी है जो गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट सेक्टर एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। अभी रियल इस्टेट सेक्टर में जो लैंड का वैल्यू है उस पर तो GST नहीं लगने वाला। अगर उसका डिडक्शन मुझे जब एग्रीमेंट टू सेल होता है, जब मैं फ्लैट या कोई मकान खरीदी करता हूँ, तो वो लैंड का वैल्यू का मुझे बिल्डर डेवलपर्स को कितना डिडक्शन मिलने वाला है ये आज तक क्लैरिटी गवर्नमेंट ने दी नहीं है। ठीक है, तो हमारा इतना ही कहना है GST अगर लाना है और 1 जुलाई से अगर लाना है तो जितने जल्दी ये सब क्लैरिटी देते जाए और फिर इंडस्ट्री को प्रिपेयरनेस का थोड़ा टाइम मिलेगा और 1 जुलाई से GST लागू होगा तो ये जल्दी से जल्दी क्लैरिटी देना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं राजीव रंजन इन्हीं से भी बातों को लेकर आपके पास आऊंगा। राजीव रंजन, क्या आपको लगता है कि GST जिस मूल भावना के साथ आ रहा है इस देश में, क्योंकि GST को लेकर कई देशों में अलग मॉडल है हमारे देश से, तो इस देश में जो सरकार ने ये जो मॉडल अपनाया है ये आने वाले दिनों में आम आदमी के लिए महंगाई नहीं बढ़ाएगा जो तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, दूसरा कुछ एजेंसी ये कह रही है कि इससे GDP देश की 1-2% तक बढ़ सकती है, तो क्या GST आने वाले दिनों में वाकई इस देश के बेरोजगारों के लिए भी, जिनको नौकरियां चाहिए जिनको रोजगार चाहिए उनके लिए भी अच्छे दिन ला सकता है? मोहन गुरुस्वामी, इस पर आपका भी कमेंट चाहूंगा, लेकिन पहले राजीव रंजन। देखिए, सबसे पहले आपका पैनल इस तरह के फैसलों के लिए बेहतरीन पैनल है अभी, और टैक्स एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, चेंबर ऑफ कॉमर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने काफ़ी बारीकी के साथ GST पर अपनी राय रखी है। जहाँ तक एक राजनीतिक दल के तौर पर जनता दल यूनाइटेड का मानना है, जब हम बिहार में NDA के साथ थे और सेंटर में UPA थी, उस समय भी बिहार के पास GST काउंसिल का जो चेयरमैनशिप था वो बिहार के पास था। हम लोग उस दौर में भी GST के लागू किए जाने के पक्ष में थे और जब NDA की सरकार बनी तब भी हम लोग साथ हैं। हमारा ये मानना है कि इस देश में जो विविधताएं हैं उसके अनुरूप यह 4 स्लैब्स का जो आपका GST का जो फैसला है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही व्यवहारिक फैसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जो देश की अपेक्षाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी को भी समझना होगा। जो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के अप्रिहेंशंस हैं उनको एड्रेस करने की जिम्मेवारी सेंटर की है, और क्रेडिट लूट से भी बचना चाहिए, इसलिए कि ये फैसला किसी एक पार्टी का नहीं है। इस फैसले को लागू कराने में हमारे जैसे दल पहले दिन से इस फैसले के साथ खड़े हैं। ठीक है, इसलिए ये बार बार जब मुझे ऐसा लगता है कि जब इससे जुड़ी ही आशंकाओं के निराकरण की बात होती है तो जफर इस्लाम साहब या किसी दूसरी पैनल में कोई दूसरे स्पोक्स पर्सन ऐसे आते हैं जैसे वो पूरी तरह से हमलावर दिखते हैं। मुझे लगता है देश के फैसले को लागू कराने में सबकी सहभागिता आपके लिए आवश्यक है, और मुझे लगता है कई बार जब आप टकराव के लिए कोई पात्र नहीं मिले तो अनायास आप एक टकराव के लिए पात्र ढूंढते हैं। राजीव रंजन, इससे बचना चाहिए, इसलिए कि जब ये तो बड़ी कठोर बात है, जीते तो सबका और हारे तो इन्हीं का केवल है। राजीव रंजन, ये तो बड़ी कठोर बात कह रहे हैं आप, कम से कम थोड़ा तो उनको क्रेडिट दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, बस मैं 30 सेकंड आपका ले रहा हूँ। हाँ, मैं बराबर ये कहता हूँ, जब सेंटर में आपकी सरकार है तो इसके सफल क्रियान्वयन का निश्चित तौर पर श्रेय आपको जाएगा, तो राज्यों को भी शामिल होना पड़ेगा। श्रेय देश के 125 अरब लोगों को जाना चाहिए जो इस फैसले के साथ खड़े हैं। और हमारा ये मानना है कि बार बार अगर आपको कई बार जब सब लोग साथ मिलते हैं तो आपको कोई एक बहाना चाहिए कि एक काल्पनिक शत्रु तय किया जाए और उसके जरिए आप अपनी पीठ थपथपाए। इस मुद्रा से भी भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जल्दी जवाब दीजिए, फिर मोहन गुरुस्वामी से जवाब लूंगा मैं नौकरियों वाला, लेकिन पहले आप पे हमला हुआ तो पहले आप जवाब दे दीजिए। अरे भाई, थोड़ा हमें जवाब थोड़ा सा समय दीजिए जवाब देने का। हमारे बड़े भाई राजीव रंजन जी जो भी बात कही उसमें देखिए सच्चाई है, उन्होंने अपने दिल से बात की, लेकिन मैं उनको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, और आप अगर प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सुना होगा जब GST बिल पास हुआ तो उन्होंने सबको बधाई दी, सब पॉलिटिकल पार्टीज को बधाई दी, सबके समर्थन से पास हुआ। और मैं खुद कहता हूँ, और हर बार डिबेट में आप निकाल के देख सकते हैं पुराना वीडियो भी, कि हर डिबेट में कहा है कि ये GST बिल
सिर्फ देश के लिए है, देश के हित में पास हुआ और सबके लिए, सबके लिए है और सभी सभी पार्टी का समर्थन के साथ पास किया गया है। तो यहाँ पर क्रेडिट लेने की बात नहीं है, लेकिन ये बात जरूरी है, इसको भी समझना समझना चाहिए कि हमारी जो फिलॉसफी है हमारे पार्टी की, कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, मिडिल क्लास के लिए काम करते हैं, और इस वजह से जो एसेंशियल्स आइटम्स के जीरो परसेंट खत्म हो गया। मोहन गुरुस्वामी साहब क्या जीडीपी बढ़ेगी 2% और क्या नौकरियों के अच्छे दिन आएंगे? और लोगों को जबर भाई समय खत्म हो गया, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन बंद कीजिए ये कोई। मोहन गुरुस्वामी साहब बोलिए, बोलते जाते हैं नॉन स्टॉप। देखिए बोलते रहेंगे, बंद ही नहीं करते। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, चलिए चलिए चलिए। अरे गुरुस्वामी जी, मैंने तो अरे जबर भाई मैंने तो 20-30 सेकंड बोला। ओके नाउ लेट जीएसटी से दो इफेक्ट होंगे, एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा, शॉर्ट टर्म में कुछ दिक्कतें होंगी। नहीं सर, नौकरियां आप बढ़ेंगी क्या, जीडीपी बढ़ेगी क्या? कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2% तक जीडीपी लॉन्ग टर्म में जीडीपी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि टैक्स कलेक्शन इंप्रूव होगा, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे, जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की होगी वो बढ़ेगी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट से जीडीपी बढ़ेगी, जॉब्स भी आएंगे। ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज है। शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म को ट्रांजिट करना है इफेक्टिवली, और जो इफेक्टिवली अगर कर रहे हैं, मुझे कुछ उस तैयारी में कुछ संदेह है। जिस तरह इन्होंने करगा बंटवारा किया है कलेक्शन का स्टेट्स और सेंटर में, एक यूनिफाइड टैक्स कलेक्शन सिस्टम लाने के बजाय, इन चीजों में मुझे कोई संदेह डाउट्स है। चलिए लॉन्ग टर्म में स्मूदन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया। और कुल मिलाकर 2019 में जीएसटी एक बड़ा दांव हो सकता है, कुछ एक्सपर्ट्स इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन अभी तक के दूसरे देशों का उदाहरण देखें तो चुनावों पर जीएसटी का असर हुआ है। अब 2019 में सरकार के लिए, खासकर मोदी सरकार के लिए, ये वरदान साबित होगा या एक ऐसी चीज़ जो तमाम चीज़ों के बीच मोदी सरकार के लिए अच्छा साबित ना हो, ऐसा कुछ साबित होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जीएसटी 1 जुलाई से लागू होने के हम बहुत करीब हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको अच्छे तरीके से देश में लागू करे, ताकि जो दिक्कतें हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और देश एक स्मूथ जीएसटी के साथ आगे बढ़े।